गुड इवनिंग स्टूडेंट्स फॉर एमएससी फाइनल ईयर। हमने लास्ट क्लास में जो बात करी थी वो एल्कलॉइड्स के बारे में बात करी थी कि व्हाट आर द एल्कलॉइड्स, पूरे क्लासिफिकेशन सारी चीज़ें हमने बात कर रखी हैं प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं। अब हम आज कुछ मेंबर को डिस्कस करेंगे, जैसे कि पहले एफिड्रीन। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर क्या है, मैं आपको नोट्स इसके सारे शेयर कर दूँगा इसके अंदर। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो है CH3 NaCH3। ये एक नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, आइसोप्रीन यूनिट्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। टर्पिनोट्स में भी थी, इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं। तो ये हमने, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C10H15NO। इसमें एक सेकेंडरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसमें सेकेंडरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है जो हम इसकी HNO2 सिलेक्शन करा करके देख सकते हैं। मैं नोट्स आप में शेयर कर लूँगा, सेकेंडरी अमीनो ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट हैं जो आपको बताइए। इसके अलावा इसके अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। जब इसको बेंजोइलेशन कराते हैं, इसका बेंजोइलेशन की रिएक्शन कराते हैं, तो वहाँ से ही पता लगता है कि इसमें डाइबेंजोइल डेरिवेटिव बनते हैं जो कि ऑक्सीजन एटम की प्रेजेंस को शो करते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर जो इसके कार्बन स्केलेटन की जो प्रकृति होगी, वो जब इसको ऑक्सीडेशन कराया जाएगा तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। मतलब जब इसका ऑक्सीडेशन कराया जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट होता है, बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी जो ये साइड चेन हैं ये सब की सब ब्रेक हो जाएंगे और ये केवल क्या बच जाएगा, आपका बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इससे पता चलता है कि इसका जो कार्बन स्केलेटन है वो ब्रांच स्ट्रक्चर है। अगर क्योंकि सीधी स्ट्रक्चर होती तो उसमें जाता, लेकिन ब्रांच स्ट्रक्चर होने की वजह से बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो इंडिकेट करता है कि एफिड्रीन शुड कंटेन ए बेंजीन रिंग विद ए साइड चेन, सो एफिड्रीन मे बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। मतलब इसकी स्ट्रक्चर को अपन ये कह सकते हैं कि इस C10H15 को जो है हम कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, C7H10 C6H5C4 तरीके से C4H10NO से प्रेजेंट कर सकते हैं। एक मतलब C6H5 रिंग को कम करते हुए हम इसके अंदर इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसकी जो साइड चेन होती है वो जब HCl से इसकी रिएक्शन करी जाती है तो मिथाइल एमीन एंड प्रोपियोफिनोन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? मिथाइल एमीन। जब हम इसकी जो एफिड्रीन जो है, अभी अपन ने जो एफिड्रीन बनाया है, इस एफिड्रीन की जो रिएक्शन है यदि HCl से कराई जाए तो आपको मिथाइल अमीन और प्रोपियोफिनोन प्राप्त होते हैं। प्रोपियोफिनोन ये प्राप्त हो, प्रोपियोफिनोन की जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी, प्रोपियोफिनोन। इस तरीके से फिनोन का मतलब एसिटोफिनोन टाइप का ग्रुप होता है और साथ में प्रोपियो मतलब तीन कार्बन हो गए और मिथाइल अमीन। इसलिए इसके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि इसकी जो साइड चेन होती है वो कुछ इस प्रोपियोफिनोन से मिलती जुलती मेल खाती है। जैसे कि अपन ने बात करी अभी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रोपियोफिनोन टाइप के, देखो 1 2 3 इस तरीके से, और अभी एक ये जो मिथाइल ग्रुप और ऐड कर देंगे तो इससे फिर इसके स्ट्रक्चर का एक रफली आइडिया हमें लग जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू हॉफमोन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन यील्ड 1-2 मिथाइल फिनाइल इथाइलिन ऑक्साइड। दिस मीन्स दैट दिस कंपाउंड कैन नॉट बी फाउंड व्हेन एफिड्रीन हैज स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंड टाइम। मतलब क्या है कि इसकी दो स्ट्रक्चर प्रपोज की गई हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर तो ये वाली है, और दूसरी स्ट्रक्चर इसकी ये वाली है।
तो इसमें हमें तो पता है कि इसकी स्ट्रक्चर ये वाली है क्योंकि हम पहले से ऑलरेडी जानते हैं कि स्ट्रक्चर्स के, लेकिन इसमें एक आ गया कि अगर मैं इसको फर्स्ट स्ट्रक्चर बोलूँ और इसको कौन सा स्ट्रक्चर बोलूँ, सेकंड स्ट्रक्चर बोलूँ, तो इसकी रिएक्शन जब मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर इसलिए इसकी सही लगती है क्योंकि जब इसको एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कराया जाता है और फर्स्ट स्ट्रक्चर के प्रोडक्ट एक्चुअली जो उसकी स्ट्रक्चर है उससे भी रिएक्शन कराया जाता है, मतलब इसका हॉर्मोन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कराया जाएगा, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, तो इससे वही प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं जो एक्चुअल स्ट्रक्चर से प्राप्त होते हैं। एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का मतलब समझते हो ना कि जैसे इसकी रिएक्शन मैं CH3I से कराऊं, जैसे मान लीजिए ये है इसकी रिएक्शन मैंने इससे कराई CH3I से, ये इसके जो ये लोन पेयर है इसने इस पर रिएक्शन करा और यहाँ पर क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, फिर धीरे धीरे यहाँ से निकल जाएगा। तो ये इससे जो प्रोडक्ट मिलते हैं वही प्रोडक्ट आपको एक्चुअल प्रोडक्ट से मिलते हैं जो इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि सेकेंड स्ट्रक्चर से अलग प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका सपोर्ट करता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इफ़ OH इज रिप्लेस बाई हाइड्रोजन देन कंपाउंड स्टिल पजेस ऑप्टिकल एक्टिविटी सपोर्ट द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ये है कि अपन ने पहले इसमें ये देख लिया कि इसके अंदर जो प्रोपियोफिनोन स्ट्रक्चर बन रही है वो दोनों में है, लेकिन उसके बाद में जो नाइट्रोजन और एक कार्बन जो एक्स्ट्रा है वो इस सेकेंडरी कार्बन पे होना चाहिए कि फर्स्ट 1 डिग्री कार्बन पे होना चाहिए, ये यहाँ पे देखने वाली बात थी। तो इससे इसको हॉर्मोन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन से और ऑप्टिकल आइसोमर बना करके अपन देखते हैं, तो इससे ये पता लगता है कि इसकी स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर ही होगी। इसकी डिटेल पूरी जो है वो नोट्स में अपन डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से स्टीरियो आइसोमर बनते हैं और किस तरीके से वो फर्स्ट स्ट्रक्चर को मतलब कि वो सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में हैं जो कि हमें बताती हैं कि किस तरीके से इसमें जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो ये होगी, जिसके अंदर एक सेकेंडरी 2 डिग्री अमीन होगा और एक इसके अंदर क्या नाम है कि प्रोपियोफिनोन टाइप का फ्रेगमेंट भी बनता है और उसकी क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, ये दोनों की दोनों चीज़ें आप उससे बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं।